हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबा साहेब गारवारे कॉलेज पुणे, इसका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप आएंगे, उसके बाद सीनियर कॉलेज एडमिशन नोटिस के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर एडमिशन नोटिस दिख रही है आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी एडमिशन नोटिस दिखेंगी, तो ये यहाँ पर जैसे कि दिया गया है बॉटनी, BSc बॉटनी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, मैथमेटिक्स और ये सारे सब्जेक्ट है जो BSc के अंदर आप कर सकते हैं। ऑनर्स जो है केमिस्ट्री के अंदर है 4 ईयर विथ रिसर्च, ठीक है। मैथमेटिक्स 4 ईयर का भी अवेलेबल है ऑनर्स, अगर करना है आपको BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। उसके बाद यहाँ पर BSc माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, BSc फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है, विथ रिसर्च, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, BCA है और साइबर सिक्योरिटी है BSc, वोकेशनल कोर्सेस है कुछ। उसके बाद यहाँ पर BA के है कोर्सेस, तो ये सारे आप देख सकते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो यानी मतलब फर्स्ट डेट जो है, जो आज की फर्स्ट डेट है, मतलब आज ही से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है तो लास्ट डेट है 8 जून, ठीक है, 8 जून को लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर BSc का भी सेम है, BA और BSc का सेम ही डेट शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी आपका जो इसके बाद का एडमिशन प्रोसेस है, जैसे कि टेबल एडमिशन फॉर इन हाउस स्टूडेंट, इन हाउस मतलब जो सेम कॉलेज के स्टूडेंट है, 12th तक उन्होंने आबा साहेब गारवारे कॉलेज में ही किया है, तो फर्स्ट टेबल राउंड, तो यहाँ पर 9 से 10 के बीच आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा टेबल राउंड के लिए, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर 12th जून को, सेकेंड राउंड जो है वो होगा 12th जून को ही, सेम डे आपका रहेगा मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद, सेम डे आपको जो है तो कॉलेज में जाकर एडमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड भी है 13th जून को, तो आपको यहाँ पर सिंपली अगर बात की जाए तो आपको पुणे में ही रहना है, अगर आउट ऑफ पुणे के स्टूडेंट है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये पुणे के डायरेक्टली आपको कॉलेज के असेंबली हॉल में देखने को मिलेंगी। तो इस टाइम पे जो है आप तो पुणे में ही रहिए अगर आपको एडमिशन करना है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ दिए गए, स्कॉलरशिप डिटेल्स दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, सेम पासवर्ड डालकर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालकर रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है तो कुछ इस तरह का यहाँ पर पूछा जाएगा, UG PG किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर से वो सेम नोटिफिकेशन आपको दिखेंगी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने फर्ग्यूसन कॉलेज का फिल किया था पिछले वीडियो में, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेम उसी तरह से ये आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड